सुरेश शर्मा हुए सेवानिवृत्त। लुकवासा संकुल केंद्र में आने वाले रिजोदा शासकीय प्राथमिक विद्यालय में सुरेश शर्मा पदस्थ थे। शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम रिजोदा में सबसे अधिक समय शिक्षक प्रभारी के रूप में निभाया। सर्वप्रथम शर्मा शिक्षक ने सभी मंदिरों पर पहुंचकर भगवा के दर्शन किए, तत्पश्चात विद्यालय में पहुंचकर सरस्वती माँ पर माल्यार्पण की, फिर शिक्षकों एवं स्टाफ के लोगों ने उनको सम्मानित किया। सेवानिवृत्त होने के पहले शिक्षक शर्मा चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं। सेवानिवृत्त होने पर लुकवासा संकुल केंद्र पर सर्वप्रथम सरस्वती माँ पर माल्यार्पण कर शिक्षक सुरेश शर्मा को माला पहनाकर सॉल श्रीफल देकर सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित किया। इस मौके पर वेद प्रकाश रघुवंशी, गतक शिक्षक हरिओम गुप्ता, राजेंद्र सिंह यादव आदि शिक्षक एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। संकुल की सबसे बड़ी बात गड़क की तत्परता से जो भी शिक्षक सेवानिवृत्ति होते हैं उनका तत्परता से पेंशन प्रकरण का यथासमय निराकरण किया जाता है। अब चूंकि वेद प्रकाश रघुवंशी अप्रैल 24 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण भविष्य में सेवानिवृत्त हो रहे हैं स्टाफ के लोगों को परेशानी ना आए, ऐसी बात वेद प्रकाश रघुवंशी ने कहा। नौकरी करी थोड़ा सा बताएं। प्रथम नियुक्ति मेरी 1984 प्राथमिक विद्यालय रजोदा से ही शुरू हुई। उसके बाद में VPI दतिया रहा 2 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद मेरा पदांकन हुआ खनिया दाना से। जब वापस हुआ मैं तो 1998 से रजोदा ही कार्यरत रहा, लगभग माने 26 वर्ष अभी मेरा कुल मेरा कार्यकाल 40 वर्ष 1 महीना 11 दिन का समय रहा। तो सबसे समय आपने रजोदा में दिया? अधिकतम समय माने लगभग रजोदा प्राथमिक विद्यालय में समय मेरा सेवा का लगभग 30 वर्ष। अच्छा, कैसा लगा आपको पूरी नौकरी में? आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि समय चक्र के अनुसार दुनिया में। अच्छा,